हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंह, और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 9th of January 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि जो भी नई अपडेट्स होती है रिगार्डिंग द एग्जाम्स और द रिजल्ट्स और द चेंजेस इन पैटर्न्स, वो सारी आपको बिल्कुल वहां पर सबसे पहले नोटिफाई कर दी जाएगी। तो दोस्तों चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। हु फ्लैग्ड ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन। तो दोस्तों अभी रिसेंटली बहुत ही हॉट न्यूज है, हॉट टॉपिक है। सबसे पहले किसने फ्लैग ऑफ किया है वर्ल्ड की पहली डबल स्टैक ट्रेन को? तो यहाँ पर आप लोग के पास ऑप्शन है दोस्तों, पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नरेंद्र मोदी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, और प्राइम मिनिस्टर जी ने क्या कर दिया है, हरी झंडी दिखा दी है किसको, डबल डेकर ट्रेन्स को। तो बेसिकली दोस्तों ये होती है कुछ माल, ये आप लोगों की मालगाड़ी बोला जाता है जिसको। तो वहां पर जब आप लोगों के एक ही पीछे में क्या रहते हैं, आप लोग कॉरिडोर्स रहते हैं, उस कॉरिडोर के ऊपर भी अब एक कॉरिडोर देखने को मिलेगा। जिस तरीके से डबल डेकर बस होती है, उस तरीके से डबल डेकर ट्रेन यहाँ पर मालगाड़ी चलेगी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन थर्सडे फ्लैग्ड ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन फ्रॉम न्यू अटेली इन हरियाणा टू न्यू किशनगंज इन राजस्थान। ही ऑल्सो लॉन्च 306 किलोमीटर रेवारी मदार सेक्शन ऑफ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। मोदी सेड दैट सिंस द लॉन्च ऑफ न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा सेक्शन ऑफ DFC, द एवरेज स्पीड ऑफ द फ्रेट ट्रेन्स हैज ट्रिपल इन दैट सेक्शन। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली एक नए रूट का भी क्या किया है, इनॉग्रेशन किया है, जो है आपका रेवारी से लेकर दादरा तक। इसके बारे में भी आप लोग को बिल्कुल जानना चाहिए कि रेवारी से लेकर दादरा तक आप लोगों का क्या है, ये पूरा रूट रहेगा। और यहाँ पर आप लोगों के जो स्टेशन रहेंगे वो 9 स्टेशन पे हॉल्ट रहेंगे, जिसमें से 3 स्टेशन आप लोगों के जंक्शन रहेंगे और 6 जो रहेंगे वो क्रॉसिंग स्टेशन दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को इधर क्या करनी होगी दोस्तों, ध्यान रखनी होगी। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर 306 किलोमीटर का पूरा ये स्ट्रेच रहेगा, जिसमें से दोस्तों बोला जाता है 79 किलोमीटर जो रहेगा वो हरियाणा के स्टेट्स में रहेगा, और बाकी का आप लोगों का बात करेंगे 227 किलोमीटर की, तो 227 किलोमीटर आपको राजस्थान की कुछ सिटीज में देखने को मिलेगा, जैसे कि जयपुर हो गया, अजमेर हो गया, ठीक है, साथ में किशनगढ़ हो गया, साथ में आप लोगों का अलवर हो गया, साथ ही में आप लोगों का सीकर हो गया, ये सारी स्ट्रेच ही कवर यहाँ पर करेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। तो विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस कृषि संजीवनी वंस टू टेस्ट सॉइल वाटर एंड सजेस्ट रेमेडीज टू पेस्ट कंट्रोल। तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर कर्नाटका। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कि कर्नाटका के सीएम का नाम क्या है। तो यहाँ पर आप लोग के कर्नाटका के सीएम का नाम हो जाएगा क्या दोस्तों, BS येडियुरप्पा। ठीक है, और साथ ही में हम लोग बात कर लेते हैं गवर्नर के बारे में, तो गवर्नर हो जाएंगे वाजुभाई वाला। अब दोस्तों ये चीजें बताने के पीछे का मोटिव ये रहता है, क्योंकि स्टैटिक अवेयरनेस भी हमारी उतनी ही कमांड पर होनी चाहिए जितनी आपकी करंट अफेयर्स होती है। अब करंट अफेयर्स का जो दबदबा है, जो वेटेज है एग्जाम में, बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है आजकल। और आपके एग्जाम से लेकर जब भी आपका एग्जाम हो, 6 to 8 months के करंट अफेयर्स आप लोग को अपने टिप्स पर होने चाहिए। इसके लिए आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वेबसाइट पर जाकर एक बार जरूर विजिट करिए, लॉगिन करिए, रजिस्टर करवाइए। कर्नाटका चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा लॉन्चेस कृषि संजीवनी वंस इन बेंगलुरु टुडे। द 40 वैंस फ्लैग्ड ऑफ टुडे विल रीच आउट द एग्रीकल्चर फील्ड्स टू टेस्ट सॉइल वाटर एंड सजेस्ट रेमेडीज फॉर पेस्ट कंट्रोल टू इंप्रूव यील्ड। Speaking on the occasion, the Chief Minister said that in the future of Agriculture Department has proposed to attach one such van for every farmers assistance centers in district. AIR or in All India Rank Corporation correspondence reports that the Agriculture Department has launched Krishi Sanjeevani once to take the labs to field on thus farmers get हैंड सपोर्ट इन देयर फार्मिंग टेक्निक्स। तो बेसिकली दोस्तों ये जो आप लोगों की लॉन्च की गई है स्कीम, ये सिर्फ फार्मर्स को यहाँ पर हेल्प करने के लिए की गई है, कि जो वो पानी, सॉइल, मिट्टी ये सब यूज कर रहे हैं, वो एक्चुअल में कितनी रिलायबल है उनके आगे आने वाले फ्यूचर
क्रॉप्स के लिए, ठीक है। तो बेसिकली ये हेल्पिंग एजेंसी यहाँ पर या फिर हेल्पिंग प्रोग्राम यहाँ पर आप बोल सकते हो, ठीक है। और ये किसके द्वारा हुआ है, तो ये कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया है, ये बात आपको अपने एग्जाम में साथ में लेकर जानी होगी दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। तो हु इज गोइंग टू लीड कमिटी फॉर्म्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट लैंग्वेज कल्चर एंड लैंड ऑफ लद्दाख? अमित शाह, जे किशन रेड्डी, शिव मनोहर, सुधीर रंजन? हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जे किशन रेड्डी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग को पढ़ना चाहिए, अ 10 मेंबर डेलीगेशन फ्रॉम लद्दाख मेट यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ऑन वेडनेसडे एंड अर्ज द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट लद्दाख लैंग्वेज कल्चर एंड लैंड। इन अ स्टेट द मिनिस्ट्री सेड दैट द सेंटर हैज डिसाइडेड टू फॉर्म अ कमिटी अंडर द MoS जी किशन रेड्डी टू फॉर प्रोटेक्टिंग द लैंग्वेज कल्चर एंड द लैंड ऑफ लद्दाख। द कमिटी विल हैव मेंबर्स फ्रॉम द डेलीगेशन विच मेट द होम मिनिस्टर एज वेल एज द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लद्दाख। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लद्दाख एडमिनिस्ट्रेटिव, राइट। तो यहाँ पर जो एग्जाम में बात रखने वाली है, ध्यान की, 10 मेंबर की डेलीगेटिव कमेटी रहेगी और इसको हेड करने वाले आपके कौन होंगे, जी किशन रेड्डी, ठीक है। तो बेसिकली इसको हेड बनाया क्यों गया है, ताकि जो आप लोगों की लैंग्वेज है लद्दाख की, कल्चर है, उसको एकदम उसी तरीके से क्या किया जाए, मेंटेन किया जाए, और उसमें किसी भी और तरीके के एडिशनल चीजें नहीं हो, जो एक ऑथेंटिक लैंग्वेज रहती है वो उनकी क्या रहे, बिल्कुल रहे, मतलब हमेशा रहे वैसी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। तो डैश अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट। तो दोस्तों यहाँ पर कौन तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त हुई है दोस्तों, ये बताना है आपको। ऑप्शन है आप लोगों के पास, हीमा दास, हीमा कोहली, रूमा पाल, सुजाता मनोहर। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हीमा कोहली, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं तेलंगाना की, तो तेलंगाना की चीफ मिनिस्टर का नाम जरूर आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, दैट इज के चंद्रशेखर। साथ ही साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर गवर्नर की, तो गवर्नर यहाँ पर हो जाएंगे आप लोग के टी सौंदरराजन, ठीक है। तो टी सौंदरराजन यहाँ पर आपकी क्या हो जाएंगे, गवर्नर का नाम हो जाएगा, ये भी आप लोग ध्यान रखना। अब दोस्तों यहाँ पर जो आप लोग को ध्यान रखिए, वेरी वेरी गोइंग, दिस गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अपॉइंटमेंट है, क्वेश्चन जरूर बनाएगा। तो यहाँ पर सीनियर मोस्ट जज जो है दिल्ली हाई कोर्ट की, जस्टिस हीमा कोहली हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट। शी इज द फर्स्ट वुमन टू स्वॉन इन द सीजे ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट, ठीक है। पहली महिला ये बनी है जो कि तेलंगाना हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की भूमिका यहाँ पर निभाने वाली दोस्तों। इन्होंने रिप्लेस किया है सीजे रघुवेंद्र सिंह चौहान को, और अब सीजे रघुवेंद्र सिंह चौहान जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट बना दिए गए हैं, ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। तो आरबीआई कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स चेयर्ड बाय फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर NS विश्वनाथन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स? तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली एक कमिटी ही बोलो आप, एक कमिटी बनाई गई है जिसका नाम है आपका कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स। वो जो हेड करने वाले हैं उनको, वो है आप लोगों के पहले डेप्यूटी गवर्नर जो रह चुके हैं NS विश्वनाथन। कितने मेंबर्स यहाँ पर ये कमिटी है, 6 मेंबर्स, 8 मेंबर्स, 10 मेंबर्स, 12 मेंबर्स? हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 6 मेंबर्स। अब दोस्तों यहाँ पर मैं बात कर लूँ आप लोगों की आरबीआई की, तो आरबीआई का जो आप लोगों का एस्टेब्लिशमेंट ईयर था वो था 1935। एक्ट जो आया था वो आया था 1934 में दोस्तों, ध्यान रखिएगा एक्ट आया था 1934 में। हेडक्वार्टर जो था वो 2 साल तक रहा था कोलकाता में, और 1937 में उसको डायरेक्टली शिफ्ट कर दिया गया आप लोगों का हमेशा के लिए परमानेंट, दैट इज इन मुंबई, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। हेडक्वार्टर 1935 से लेकर 1937 तक कोलकाता में था। अच्छा, उसके बाद में दोस्तों बताना चाहिए मुझे आप लोगों को कि 21 मेंबर्स होते हैं आरबीआई में, ठीक है, टोटल। उसमें से एक जो बात करेंगे वो होते हैं आपके गवर्नर, और 4 जो होते हैं मेन जिनके नाम आपको ध्यान रखने चाहिए, दैट इज योर 4 डेप्यूटी गवर्नर्स। तो NS विश्वनाथन फॉर्मर थे, तो इनकी जगह पर आने वाले कौन है, तो उनकी जगह पर आने वाले हैं आपके राजेश्वर राव, और इस पर आपका क्वेश्चन जरूर बन सकता है, दिस इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सेट अप एन एकेडमिक एडवाइजरी काउंसिल कॉल्ड कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स
टू फर्दर स्ट्रेंथन द सुपरविजन ओवर रेगुलेटेड एंटिटीज. तो दोस्तों यहाँ पर जो एग्जाम में आपको अपने साथ लेकर जाने वाली बात है कि इसको लीड कौन कर रहा है, हेड कौन कर रहा है, तो फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर दैट इज NS विश्वनाथन. ठीक है, NS विश्वनाथन इसको लीड कर रहे हैं. ये जो रहेगी वो 6 मेंबर की कमिटी रहेगी. तो एक तो आपके क्या हो जाएंगे, NS विश्वनाथन ही हो जाएंगे. तो बाकी के और कौन है, तो एक आपके हो जाएंगे अरिजीत बासु, दूसरे आपके हो जाएंगे परेश सुखनकर, एस रघुनाथ, उसके बाद आप लोग के हो जाएंगे तदागत और सुब्रत सरकार. ठीक है, तो ये और आप लोगों के 6 लोग या 5 लोग यहाँ पर जुड़ेंगे किसके साथ, NS विश्वनाथन के साथ. दोस्तों ये बात आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाली है. तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हाँ ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इसका ऑब्जेक्टिव जानना भी आप लोगों को जरूर जरूरी है. द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द काउंसिल इज गोइंग टू आइडेंटिफाई एरियाज वेयर स्किल बिल्डिंग, अप स्किलिंग और रिक्वायर्ड प्लान एंड डेवलप curricula of all the programs, benchmark and the programs with international standards, best practices and develop appropriate teaching methods, right? तो ये काफी एक अच्छी बात यहाँ पर मुझे देखने को मिली है. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या पूछता है ये देख लेते हैं. तो एलनबर्ग इज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, क्रिकेटर, फुटबॉलर, स्विमर, माउंटेनियर. हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज क्रिकेटर. तो दोस्तों यहाँ पर ओल्डेस्ट लिविंग फर्स्ट क्लास क्रिकेटर दैट इज एलन बर्गीज, इनका क्या हो चुका है दोस्तों, देहांत हो चुका है. ये एक तरीके की और बिचरी है, और बिचरी पे क्वेश्चन आप लोग के जरूर आते हैं, एक से दो क्वेश्चन हर उसमें आपको मिल जाएंगे. अ पीस ऑफ सैड न्यूज कमिंग फ्रॉम द कैंटरबरी न्यूजीलैंड रिवील दैट ऑलराउंडर एलन बर्गीज हैव पास्ड अवे इन स्लीप एट द एज ऑफ दोस्तों 100 ईयर्स 2 and 250 days. ठीक है, ध्यान रखना इस बात को. 100 साल जिए थे और 100 साल से ऊपर 250 दिन और जिए थे दोस्तों ये. उसके बाद अब इनके बाद, इनके मरने के बाद, देहांत होने के बाद, जो इंडिया के रघुनाथ चंदोरकर हैं वो ओल्डेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है जो अभी हमारे साथ हैं. ठीक है, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं. विद विच बैंक IIT कानपुर कोलैबोरेट्स टू सेट अप फिनटेक इनोवेशन सेंटर, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक. हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी दैट इज पंजाब नेशनल बैंक. तो दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक ने क्या किया, कोलैबोरेट किया है आपका फिनटेक इन आपका IIT कानपुर के साथ बेसिकली. तो ये जो हुआ है, ये जो आप लोग का कोलैबोरेशन हुआ है, ये क्यों हुआ है, इसके बारे में पूरी पूरी हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे. लेकिन उससे पहले कुछ स्टैट जो हमें अपने साथ लेकर जाने हैं. पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, सबसे पहली बात तो ये हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली में दोस्तों. उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों के CEO का नाम जरूर आपको ध्यान रखना होगा, दैट इज योर SS मल्लिकार्जुन. लेकिन प्रॉब्लम जो है दोस्तों वो ये है कि ये 1 अक्टूबर 2019 में नियुक्त हुए हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए यहाँ पर रह सकता है. फाउंड कब किया गया था, तो फाउंड इसको किया गया था 19 मई 1894 में. और साथ ही साथ इसके कुछ फाउंडर्स के नाम है जैसे कि लाला लाजपत राय, दयाल सिंह मछीता, इनके नाम आपको थोड़े बहुत ध्यान रखने चाहिए. नेक्स्ट चलते हैं इसके बारे में पूरी डिटेलिंग हम लोग ले लेते हैं. तो नेशंस लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक, सॉरी पब्लिक सेक्टर बैंक पंजाब नेशनल बैंक हैज अनाउंस्ड एन एलियंस विद द प्रेस्टिजियस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, फर्स्ट फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च एंड साइंस टेक्नोलॉजी जॉइंट एस्टैब्लिश्ड PNB IIT कानपुर इनोवेशन IIT कैंपस. ठीक है, तो ये जो अग्रीमेंट हुआ है दोस्तों, ये फिनटेक पार्टनरशिप के लिए अग्रीमेंट हुआ है. बेसिकली जितने भी आप लोग होलिस्टिक इकोसिस्टम रहेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अकेडमी रहेगी, फंड्स, टेक्नोलॉजी, तो ये दोनों आप साथ मिलकर यहाँ पर क्या करेंगे, काम करेंगे दोस्तों. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी दैट इज योर IDFC हेडक्वार्टर्ड एट बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता. हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी दैट इज योर मुंबई. तो दोस्तों यहाँ पर IDFC म्यूचुअल फंड अनवेल्स न्यू इन्वेस्टर कैंपेन्स दैट इज पैसे को रोको मत. तो पैसे को रोको मत दोस्तों अवेयरनेस कैंपेन खोला गया, और किसके द्वारा, तो IDFC म्यूचुअल फंड्स, राइट. तो IDFC म्यूचुअल फंड्स हैज लॉन्च द लेटेस्ट पैन इंडिया इन्वेस्टर अवेयरनेस कैंपेन टाइटल पैसों को रोको मत.
this new campaign of IDFC Mutual Fund urges savers to become investors and explore the smart and the modern mutual fund vehicles for their investors. The 360 degree campaign focuses on looking beyond the traditional ways of growing your money and using your goals to allocate your money across asset classes and investment solutions. The campaign has been conceptualized and created by TBI India. ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। हु इज द सीईओ ऑफ खेलो इंडिया गेम्स? संदीप प्रधान, अविनाश जोशी, दीपक सिंह, मनोज सिन्हा है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अविनाश जोशी। तो दोस्तों खेलो इंडिया बेसिकली एक टूर्नामेंट भी यहाँ पर बिगिन कर चुका है, जो कि आपका आइस हॉकी टूर्नामेंट जो कि होता है चिक्टन कारगिल। तो खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड इन चिक्टन इन कारगिल लद्दाख फॉर द फर्स्ट टाइम द वुमेन टीम ऑफ चिक्टन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन खेलो इंडिया गेम्स इन कारगिल डिस्ट्रिक्ट। देयर आर 13 टीम्स फ्रॉम डिफरेंट विलेजेस एंड पार्टिसिपेटिंग इन द टूर्नामेंट विच इंक्लूडेड 11 मेन टीम्स एंड 2 वुमेन टीम्स। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग को इधर ध्यान रखनी होगी। साथ ही साथ हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, तो वो है आपकी किरेन रिजिजू। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या बोलता है दोस्तों, ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे लिए। अमंग द फॉलोइंग हु हैज बीन अपॉइंटेड ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया? रॉब यंग, डेविड गुडबॉल, एलेक्स एलिस, जॉन थॉमसन है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एलेक्स एलिस। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अलेक्जेंडर एलिस को क्या कर दिया गया, अपॉइंट कर दिया गया एज ए ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया एंड विल टेक अप द की रोल लेटर दिस मंथ। ही हैज हैड सेवरल पोस्ट इंक्लूडिंग डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इन द कैबिनेट ऑफिस एंड डायरेक्टर जनरल इन द डिपार्टमेंट फॉर एग्जिस्टिंग यूरोपियन यूनियन एंड ब्रिटिश एम्बेसडर टू पोर्टुगल ऑल्सो। तो दोस्तों ये था पूरा आप लोगों का जो आप लोग को ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पर अपॉइंटमेंट है, तो अपॉइंटमेंट को लेकर आप लोगों के क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। साथ ही साथ ऑर्बिचरी जो डिमाइसिस होती है, जो डेथ्स होती है, उसके ऊपर भी आप लोगों को फोकस करना जरूरी होगा। तो दोस्तों ये था पूरा सेशन जो आप लोगों का था बेस्ड ऑन 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स अकॉर्डिंग टू द इन रिस्पेक्ट टू योर एग्जाम्स। आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, सेशन अच्छा लगा होगा। लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ताकि सबको इन सबका फायदा हो सके दोस्तों ज्यादा से ज्यादा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।